हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट की। आज के दिन की बात करें तो 6% के ऊपर के अपसाइड के साथ स्टॉक में क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। एक बड़ी बाइंग, एक बड़ा धमाका देखने के लिए मिला है। हमने देखा इससे पहले स्टॉक ने गिरावट दिखाई, लो और लो पैटर्न बताता हुआ हमको नज़र आया। 42 के लेवल से बाउंस बैक किया, 47 तक का जंप, अगेन गिरावट आई, 44-45 के लेवल पर सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया और अपने इस हाई को ब्रेकआउट करता हुआ नज़र आया। अगेन गिरावट, अगेन बाउंस बैक और अपने हाई को ब्रेकआउट, यानी हम देख सकते हैं अब हमको हायर है यहाँ पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। स्टॉक यहाँ से अपनी रिकवरी बताता हुआ नज़र आ रहा है। तब स्टॉक ने जिसको ब्रेकआउट दिया 47-50 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। इसको ब्रेकडाउन कर जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट का काम करने वाला ये जो लेवल है जहाँ इससे पहले सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है और तगड़े और इम्पोर्टेंट सपोर्ट का रोल प्ले करने वाला है इसका लो 42 का लेवल, जहाँ से हमको रिकवरी देखने के लिए मिली है। आने वाले दिनों में ट्राइडेंट में हमको और तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। बात करते हैं अभी इमीडिएट टारगेट के, तो 50 का लेवल इमीडिएट टारगेट रहेगा, इसका तगड़ा और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। लेकिन इस बाउंस बैक के साथ स्टॉक 50 के लेवल को भी ब्रेकआउट देता हुआ नज़र आ सकता है। हमको नज़र रखना है 50 के लेवल पर, यहाँ तक का जंप देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ से हमको अगेन छोटा मोटा सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है। अगर स्टॉक 50 के आसपास ही सस्टेन हो जाता है, सेलिंग के पास बड़ा सेलिंग देखने के लिए नहीं मिलता, तो वैसे कंडीशन में 50 का लेवल हमको ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ सकता है। 50 के ब्रेकआउट के बाद हमको इसमें 54 से लेकर 60 तक के भी टारगेट शॉर्ट टर्म में ही ट्राइडेंट दिखा सकता है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो जो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय और सेल की सलाह नहीं है।